कॉल था. इट बेसिकली इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच यू कैन यूज एमएस वर्ड प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर्स टू अटैच इट विद आरडीबीएमएस एक्सेस और फ्लैट फाइल एक्सेल. ठीक है, all the fields that you have attached as well. So today what we'll do is I can simply type over here. First of all, it is an Excel file. Okay, I have this class maker. Just one second. So that I can use it. Here we go. What? हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने बनाया था. वेरी वेल. ओ, किस चीज की बात कर रहे हैं? ये एनिमेशन. ओ हाँ, सही सही सही. कीप ऑन डूइंग द पेपर्स. ओके, रिमेनिंग जी बाकी भी करना. अच्छा, सो दिस आई हैव फॉर एग्जांपल आई कैन यूज दिस. व्हाट आई विल डू इज यूज दिस फाइल कस्टमर्स. दिस इज द पाथ. इसका पाथ है. नाउ ऑब्वियसली व्हाट आई कैन डू इज आई कम मीनिंग सेलेक्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट. ठीक है. सही. अच्छा, what I can do is I can simply specify the path जहाँ फाइल है. ठीक है. कस्टमर की चीज़ ठीक है. Now as soon as you see all these enabled, they were not enabled. अब enable हो गए हैं. हाँ. देखो, इस तरह आ गए. Why am I telling you this? Because हो सकता है यार, I would want to filter. For example, मैं filter का मतलब ये है कि मैं यहाँ आगे कह सकता हूँ कि I would like only the luxury. बिल्कुल. ठीक है, समझ आ गया. एडवांस में भी आके आप फिल्टर कर सकते हैं. ठीक है, राइट. सही हो गया. मगर इंपॉर्टेंट थिंग इज के व्हाई वी डू इट. अब हियर वी हैव दिस के स्ट्रीट सिटी. तो फॉर एग्जांपल क्लाइंट जो बेसिकली ये एड्रेस है एंड दैट सिटी. That's the zip code. That's the mailing list. We have recommended type name. The random name is typing something. For example, something like this. At the calling. और उसमें सिर्फ फील्ड्स को डाल और जो डेटाबेस है वो अपडेट होती है. वो अलग एक सेपरेट केस है. ठीक है, ये आपका बेसिक है. आपका ये मेल मर्ज इसमें ऑल्ट F9 अगर प्रेस करोगे आप मेरी ऑल्ट काम कर रही. ऑल्ट F9 लेट मी सी. नहीं लिखा. इफ आई प्रेस ओवर हियर इज ऑल्ट प्रेस करके समझ गए ना. यूल गेट इट. मगर नहीं, मुझे कोडिंग में चाहिए होगी. मैंने आगे जो एक्सप्लेन करना सारा उस पर बेस्ड है. मैंने इग्नोर इट. अरे एक सेकंड. अच्छा अच्छा गेट द पॉइंट. जी तो दिस इज व्हाट आई गेट. ठीक है, मर्ज फील्ड कोड्स ठीक हो गया. ठीक है, इनको हम प्रिंट भी कर सकते हैं. मगर अब इस प्रिंटिंग की अगर नहीं है ठीक हो गया. एंड यू कैन डू इसके फाइल में आओगे ना में प्रिंट में तो फिल्टर्स नजर आ रहे हैं. ठीक है, डोंट सी देम. तो आप आना ऑप्शंस में.
ये देख रहे नीचे ऑप्शन, ठीक है इसमें आ गया एडवांस में और प्रिंट प्रिंट फील्ड कोड इंस्टेड ऑफ वैल्यूज, ये देख रहे हो इसका मतलब है वो नाम नहीं लिखेगा, वो एक्चुअली वो लिख देगा कि फोर नेम सर नेम है ना, बिल्कुल ठीक है काफी अच्छी है सारी वो, ये बदल गए हैं सर नहीं वही थे, अच्छा पहले डिफरेंट तरीके से नहीं लिखे हुए थे, नहीं ऐसे लिखे हुए थे ऐसे पता, अच्छा ये ऑल्ट एफ नाइन, अच्छा ठीक है थोड़ी आ रही है ना, अच्छा ये तो हो गया, ये करना है स्किप इफ, बाकी जरूरी नहीं है ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव फिल इन, देखो फिल इन होता है वेयर एट टाइम्स फॉर एग्जांपल करोगे you need to enter there and let's say the venue where it is AWT. Now I ask once kar deta hun, iska matlab ye hai main karta hun idhar definition merge edit, theek hai ye ho gaya, edit karta hun and say all okay if I have mujhe dobara karke dikha sakte hain, mujhe samajh nahi aayi maine ye kiya finish and ठीक है so obviously if you have 50 letters produce kar dega wo kya raha acha sahi hai ye AWT aa raha hai rakhe bottom pe, you get the point ye sare letters hain jitne letters the same number of letters aapke paas aa jayenge, so kya rahega wo sab ke letter de dega ji matlab ek what the point obviously bilkul again use this running error, I don't know kya hoga ki isko new laptop fn ek click kar bhi raha hu, bataya kare alt dabaye us pe click kare aur ab f9 dabaye, हाँ आपने पहले उस फाइल के ऊपर क्लिक करना होता है और फिर F9 दबाना होता है, ठीक है यार है ना क्लिक फिल्म एयर ऑप्शन, अब हम डिस्कस करते हैं एंटर द एग्जांपल इफ द एल चूज करते हैं, तो फिल्म मींस के टू ऑब्वियसली पेयर एवरीवेयर व्हेन यू व्हेन यू एट टाइम्स यू डोंट हैव आपको नहीं पता था एंड यू वांट अ डिफॉल्ट टेक्स्ट टू पेयर ऑन द पेज इसलिए फिल्म यूज करते हैं सिंपल टर्म्स, बिल्कुल तो लेट्स से इफ द एल्स में एग्जांपल यूज कर सकते हैं, अपार्टमेंट है विला अपार्टमेंट यस नो ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है आई विल यूज यस इफ मेलिंग लिस्ट इज इक्वल्स टू यस देन यू कैन से यस अदरवाइज यू कैन से right? तो इसको जब हम प्रीव्यू करेंगे उस पे क्लिक करने पहले, हाँ अब काम करेगा, इफ आई यू सी विल सी इज गेट ओवर हियर ऑब्वियसली नो दैट यस ऑब्वियसली उस पर डिपेंडेंट है, वहां से मिल जाएगा यस आएगा तो यस आएगा अगर अन होगा वो रिसिपिएंट के ऊपर है ना डिपेंड कर रहा है, जी ये रिसिपिएंट ये है ना नो ये वाला जी सो दिस इज द वे बेसिकली इट वर्क्स, दिस इज योर इफ देन एल्स दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है इफ यस अदरवाइज नो, ठीक है ठीक हो गया, अच्छा इसमें मल्टीपल इफ भी लग सकता है, ये है कि दैट्स नॉट बाय स्टोरी, बाय स्टोरी होगी के फॉर एग्जांपल विला पे भी अब दो डिफरेंट फील्ड्स पे डाल सकते हैं ना, के नहीं एक ही पे दो कहता हूं वो नाम बता रहे हैं, लाइक ऐसा कर सकते हैं कि विला भी होना चाहिए और यस भी होना चाहिए, हैं विला भी होना चाहिए और यस भी होना चाहिए,
यार वो मेरा ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा ना, दे विल आस्क यू टू क्यूरी इन एक्सेस. अच्छा, हाँ वो तो एक्सेस में तो आसान होता है वो. यू कैन आल्सो टेस्ट, मैं खेलता हूँ तुम्हें, यू कैन आल्सो टेस्ट विद दैट. वहाँ स्टैंडर्ड लग्जरी बस दो ही है, इसमें भी अपार्टमेंट विला ही है, इसमें भी यस में ही है, और इधर मेरे पास उनके नाम मुझे याद नहीं रहेंगे. किंग रहेगा मुझे याद, व्हाइट हाउस रहेगा, एंड रीज, रीज याद कर लेते हैं. सो वी विल, व्हाट वाज दैट, इट वाज बेसिकली द कस्टमर नेम. सो रीज, यू रिमेंबर राइट? सो आई हैव इज द नेक्स्ट, इफ योर सरनेम था इज इक्वल टू रीज, Yes. Then we'll say it is standard. Otherwise, I will not do anything. I simply click on the okay. You will see either okay. It's got a false. Just like an Excel. It's empty. Yes, me okay. I'll put another if then else. Or make me have the full name is to right house. Then I will say is luxury simple. Otherwise, jo bhi option hogi na, we will call right. Keep ho gaya. So ho gaya. Agar if I can, I have two, I can have four. Is kahiye na? As a usko empty छोड़ देना और उसमें एक और लगाते रहना. Any problem? नहीं तो जब रीस का हम रिकॉर्ड खोलेंगे उसमें स्टैंडर्ड लिखा होगा, और जब आपका व्हाइट हाउस का खोलेंगे होगा, मगर उसके अलावा जितने भी होंगे व्हाटएवर होगा. दिखाएं जरा, लाइक तो हर किसी का रिकॉर्ड व्हाटएवर होगा सिवाय व्हाइट हाउस का और रीस का. जी देखो ना, बस जब यहाँ भी रीस आएगा ना तो वी विल हैव स्टैंडर्ड. ठीक है, मेरा एग्जांपल आपको बस एक दिया ना, मे बी रीस तीन बार आए या मगर एक बार आ रहा है. सो मल्टीपल इफ का यूज कर रहे हैं, कहने का मकसद ये है. बिल्कुल, मैं ऑल्ट का कुछ खाता हूँ, ऑल्ट एफ नाइन. सो इफ आई रिव्यू दिस, आई गेट ओवर हियर इज माय नाम लिखा है, आई डोंट नो व्हाटएवर लिखा हुआ है, ये कोई और है. यानी मैं नाम चलो नहीं है, व्हाटएवर स्टैंडर्ड नहीं, रीस कौन सा था? कहाँ गया यार, वो रीअरेंज हो गया. हाँ, गेट द पॉइंट, मतलब बात है, यू गेट द पॉइंट राइट? हाँ समझ आ गया, ऐसा आ रहा है बस बात की मेरी. यू गेट द पॉइंट? ओके, बिल्कुल. अच्छा, इस वी हैव इज मगर और कौन सी बात, सर लेट मी लर्न द रिव्यू. अब आप रिकॉर्ड्स में देखना, ये सबसे पहले कौन सा आ रहा है. वी हैव इज अकोमोडेशन आपकी लग्जरी स्टैंडर्ड, ठीक है ना राइट? मैं इस एग्जांपल आपको देता हूँ कि इफ आई कम हियर, फर्स्ट रिकॉर्ड दैट आई हैव इज द स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, ब्लॉक एंड द व्हाटएवर, ठीक है. मैं सिटी से पहले आता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड माय रिकॉर्ड. इफ आई प्रीव्यू द रिजल्ट, इसको प्रीव्यू करता हूँ, कैम्ब्रिज आ रहा है एंड लिटिल कैस्टर्टन आ रहा है. नाउ व्हाई इज इट अपीयरिंग लाइक दिस? सो कैम्ब्रिज आ रहा है, लिटिल कैस्टर्टन, इट हैज स्टेप डाउन. क्योंकि वो आपने कहा है वो अगले रिकॉर्ड का आ जाए, ठीक है, यू गेट द पॉइंट. इसका मतलब बिल्कुल, आई कैन गो टू एनी रिकॉर्ड आई वांट टू, मगर इफ आई वांट टू जंप टू द थर्ड, ठीक है, मुझे दो नेक्स्ट गाने पड़ेंगे. इसका मतलब है इससे पहले मैं दो लोगों का नेक्स्ट रखे, एक तो इफ आई वांट टू थर्ड वन. बात समझ आ गई है? बिल्कुल. अच्छा ठीक है, इसका क्वेश्चन से भी आया नहीं है,
ये आपने एंटर कैसे किया नेक्स्ट रिकॉर्ड यहाँ से? अच्छा रूल सही आ गया, ठीक है ठीक है बस ठीक है सही हो गया। अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ भी है ना, जी वही करने लगे उसको थोड़ा ना, मैं सिंपल भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ मगर एक मैंने एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है। अकोमोडेशन को करते हैं, जरा गौर से देखना इस बात को। ठीक है where do I have it? अकोमोडेशन टाइप है, मैं क्या करता हूँ, I'll come here and I'll have next record where अकोमोडेशन टाइप is equal to, sorry क्या था, apartment? स्टैंडर्ड नहीं, अच्छा नहीं वो तो स्टाइल था शायद अपार्टमेंट आया था ना, मेरे ख्याल से अपार्टमेंट था। हाँ अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट था। ठीक है जी अपार्टमेंट है ना, मगर प्लीज बिल्कुल पहले दो क्या अपार्टमेंट फिर विला अपार्टमेंट है। अच्छा अब व्यू करते हैं, तो लेट्स व्यू क्या हो रहा है इसमें, अपार्टमेंट आ रहा है एग्री। नेक्स्ट सेकंड इफ नेक्स्ट क्या हुआ, सही है नेक्स्ट गया विला अपार्टमेंट विला है, ये क्या हुआ मतलब उसने showing me two apartments, it's showing me only one. I'll tell you why. Second कहता है कि when it lands over here, if it's apartment तो उसको ignore करके अगले में चले जाओ, मगर script record is not saying दोबारा नजर है इसको फिर दोबारा करो, ये it works only once. एक बार skip करेगा दो बार नहीं करेगा। तो उसने पहले मतलब सेकंड वाला अपार्टमेंट स्किप किया था, थर्ड में उसने विला दिखाया, फिर उसने अपार्टमेंट दिखा दिया था दोबारा। पहले वाला स्किप किया था, सेकंड वाला शो। अच्छा हाँ सही। मैं इसलिए तो I was trying to explain you with an example जहाँ दो चीजें consecutive आ रही हूँ और मैं सही। तो skip if का ये अपने next second if का अपने ये याद रखना, this is the way it works। ठीक हो गया तो ठीक है, अभी नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ सिर्फ वो वाला स्किप करता जिस पे हम हैं। जी अब हर एक में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो अपने याद रखनी है, चलो ये हो ठीक है। मैं जरा लेट मी रिमूव दिस। अच्छा इसके बाद वी हैव समथिंग इज स्किप रिकॉर्ड इफ, मैं आई डू द सेम थिंग, आई कम टू दिस एंड आई विल से हियर इज ओके किया सही। तो आप देखोगे यार ये क्या है, ये अपार्टमेंट फिर भी आ रहा है, मैं तो स्किप किया है, व्हाई एम आई गेटिंग अपार्टमेंट, वेल द रीजन इज कि इट डजंट वर्क ओवर हियर, यू विल नोटिस समथिंग कि मैं इधर आऊंगा, आई विल गो टू एडिट, ठीक है एडिट करो, ठीक है ठीक है ठीक है करो, व्हेन आई सी कम आप देखोगे या कहीं भी किसी भी रिकॉर्ड में यार ये तो नहीं है, यही क्यों आ रहा है, did we do something with the बातें क्या हुआ हमने क्या एक सेकंड देख लेते अब पंगा लिया हमने इसको तो मैं हटाऊं, ये कंफ्यूजन बहुत सारे मैंने लगा दिए ना इसकी वजह से हुआ नहीं मैं वह अच्छा स्किप इफ अकोमोडेशन टाइप इज पार्ट स्पेलिंग ठीक है चलो फिर लेते हैं
अभी तो देखना अपार्टमेंट आ रहा है स्टैंडर्ड बिल्कुल क्योंकि स्किप इफ ओनली वर्क्स व्हेन यू प्रिंट इट आउट ठीक है व्हेन यू डिस्प्ले यार प्रीव्यू हां प्रिंट प्रीव्यू पर रहता है एग्जैक्टली ठीक है नजर नहीं करना इट डजंट वर्क ये जरूर रखना बात क्योंकि वरना आई यू वेस्टिंग योर टाइम skip record if ठीक है हाँ skip record if condition होगी क्योंकि if you start previewing it over here it will not work next record if तो काम कर रहा था हाँ इससे तो कुछ नहीं कह रहा मैं ठीक है वो check for errors वाला button काम करता check for errors वाला button ये काम करता मैंने कभी use नहीं किया जरूरत नहीं है आई वो पंगे ऐसा करते हैं इसके बाद करते हैं और मैंने सेव कर लिया Now I just need to go I can have this. This extension. I'll just copy these two. I'll take them. Okay. साइज भी ठीक है इसका सर बट डज मैटर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एज यार GIF क्या बकवास आई डोंट लाइक इट सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट बकवास नहीं कोई मसला अच्छा ठीक है यार देखो कर दी वन हैव यू GIF एक्सटेंशन मुझे नहीं पता ऑनेस्टली वो क्या है नई एक्सटेंशन आई है यार आजकल किस पता नहीं किसने इंट्रोड्यूस कराई है टू कंप्लीट JPG आप किसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और मैंने इसका नाम रखना है ये तो मुझे लगता है मेरा कंप्यूटर कोई और कंट्रोल कर रहा है एक मिनट आपने अपने टास्क बार को वो डबल क्यों किया हुआ लाइक खुद से किया हुआ कि वो चीजें बहुत ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा है मैं आप चाहते हैं कि सारी एक लाइन में है यार मैं मन नहीं कर सकता ना मैंने ये नाइट्रो नहीं नहीं हाँ मैं बताता हूँ टास्क बार पे राइट क्लिक करें इधर हाँ कहीं भी टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करें क्या दिया टास्क बार सेटिंग्स में जाएं मैं आपको बता कर देता हूँ सही इसको दिया? अच्छा अब आपने नीचे जाए जरा शो बैजेस ऑन टास्क बार बटन को ऑफ कर दें कर दिया कुछ हुआ बंद करो उसको नहीं 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 ना करें रुकें एक सेटिंग होती है उससे ना ये जो लंबी सी सर्च बार है ना वो बंद होकर छोटा सर्च बार का बटन बन जाता है हाँ एक चीज ऑन करें यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स इधर है ऊपर थोड़ा सा ऊपर ये लेफ्ट पे आ रहा होगा Use small task bar button. ऊपर यही सेटिंग्स के अंदर ये यहाँ पे जहाँ आपका कह रहा है अब देखें आपका टास्क बार बेहतर हो गया ना यार जीनियस मैन सेव तुम लगता है देखें डबल चीजें आ जाएंगी आराम से काफी पंगे लेते हैं लगता है हाँ विंडोज में बहुत देर से यूज कर इसको पहले चेंज कर लें ये जो JFIF है ना ये एक्सटेंशन है JFIF इसको करते हैं ओपन कोई और ही तस्वीर यूज कर लें बात वही सही है और पढ़ी होंगे अखबार बहुत सारी
इसका पाथ दोबारा कॉपी करता हूँ, मेरे कौन से बात सुन लेना है, ठीक है? ये डिस्कस कर रहा हूँ मगर इम्पोर्टेंट है जी। ये है कि बात सुनो, इफ आई यूज एल्स, मगर एक सेकंड होल्ड योर हॉर्सेस। मैं ये कहता हूँ कि इफ इट्स आसान कर, मेलिंग लिस्ट यस और नो, अगर यस हो तो एक इमेज आए, अगर नो तो और इमेज आए, ये मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आई विल डू इट, मैं कहूंगा कि इफ द मेलिंग इज इक्वल टू यस तो क्या हो, गेम कुछ नहीं, मैं कर दूंगा बस, आई जस्ट डू दैट, ठीक है? देन आई विल ओपन अप माय एडियोटिक कीबोर्ड, क्लिक ऑन हियर एंड आई विल प्रेस एंड फाइन, ठीक हो गया। होगा इफ इट्स ट्रू तो क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, वो तस्वीर का वो पाथ पेस्ट कर दें इधर। वेरी गुड, मगर डायरेक्टली ही करेंगे हम, इधर आएंगे इंसर्ट पे और इधर आप देखोगे क्विक पार्ट्स फील्ड में ना, क्विक पार्ट्स, इंसर्ट क्विक पार्ट्स और इंक्लूड पिक्चर, वेरी वेल डन, इंक्लूड पिक्चर और इधर पाथ है, ठीक है? और इधर पाथ, अच्छा 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 इधर, क्योंकि बस वो एम्बेडेड ऑब्जेक्ट काम नहीं करेगा, सो आप अच्छा अच्छा डायरेक्ट डालेंगे तो वो नहीं आएगा, काम नहीं करेगा। ओके ओके, वन डॉट जेपीजी, समझे हो? बिल्कुल ठीक है, ओके किया। अदरवाइज स्टोरी रिपीट्स अगेन फील, अच्छा इसमें भी ऑब्वियसली आई 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 शो यू गेट आई कैन इवन इंक्लूड मल्टीपल इफ, है ना? ओ हाँ, आप यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर नहीं है तो फिर जी एक और इफ हो जी और एक और तस्वीर हो, जी ठीक है ठीक है। तो लेट्स प्रीव्यू इट, ये देखो तो ये आ रही है, नेक्स्ट ये आ रहा है, नेक्स्ट तो ये नो वाला था, ठीक है जबरदस्त, ठीक हो गया, उसके मुताबिक वो काम करेगा, सो भी हो जबरदस्त, ठीक है? बट इसमें ऑब्वियसली ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि यू कैन इवन हैव मल्टीपल इफ्स, ये एक स्टैंडर्ड हो तो ये है, एग्जेक्टिव ये है, अदरवाइज ये है, सिंपली करने के हर फोर्थ में फिर आना, फिर उस पे पाथ लगा लेना, यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल, सही सही, मैंने जो कुछ भी कराया है प्रैक्टिस करना है। लास्ट चीज, लास्ट सही, के मैं एक वर्ड की फाइल रिकॉर्ड ओपन करता हूं और लेट्स से आई गो टू माय डॉक्यूमेंट्स, और तुम पता है इस बात का कि माय डॉक्यूमेंट्स में लेट्स से डेटाबेस 2 ओपन करता हूं देखने के लिए क्या है। वेल दी वेल डन, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, बेकार पड़ गया। डेटाबेस 1 देखते हैं, वेरी गुड, ये मैंने एमटी ये भी खाली है, वो कह रहा है इनवैलिड फाइल फॉर्मेट, अच्छा ये बस क्यूरी है, ये क्यूरी है, ठीक हो गया, ठीक है ठीक है। और ये डेटाबेस 3 राइट, रिमेंबर, सो व्हाट आई विल, आई विल कम टू माय दिस मेलिंग यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, सही, गुड डॉक्यूमेंट्स database 3 and attach what this car sales, ये query थी ना, ये query थी, ये देखो ना, this was your query, query को attach करते हैं ना सिर्फ, query पर ना table पर नहीं करना ना, the reason, okay okay सही है, you will be filtering out, आपने let's say आप तीन table import किए, उनका relationship बनाया है, हर तीन table में दो दो fields select करो, limit डालोगे और वो आपने mail merge करना है, ठीक है मेरी बात समझो ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक्सेस के थ्रू होगा ना, वो तो ऐसे नहीं हो सकता, बिकॉज तो इसके अंदर तो आप सिर्फ एक फाइल अटैच कर सकते हो, मेरी बात समझो ना, एक्सेल में तो द बेस्ट, उसके लिए आरडीबीएमएस एक्सेस यूज करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल, तो एक्सेस की पहले आप क्वेरी बनाते हैं और फिर उसको मेलिंग में डाल देते हैं, मेलिंग में डालोगे, ओके करोगे, जिस तरह आप करोगे आपकी वही क्वेरी इधर आ जाएगी। ओ सही है, ये वही फाइल है ना जो अभी आपने खोली थी डेटाबेस, क्यूरी फाइल है जो, बिल्कुल सही है, तो ये दिस इज हाउ यू अटैच योर क्यूरी टू एमएल पर जस्ट वेल, और वही फिर दोबारा प्रोसेस जो हमने किया है वो सारा इधर हो सकता है, सही हो गया सही हो गया।
बात समझ आई है सारी? ठीक हो गया 100%। ये आपका मेल मर्ज है, ठीक है? तो नाउ यू कैन अटैच। बहुत छोटा सा है तो। हाँ, इसलिए तो हम छोटा सा है बिल्कुल। हाँ सही। मैंने आपको बताया है। तो आप अब अटेम्प्ट कर सकते हो मेल मर्ज के पेपर फॉर्म में जो क्वेश्चंस आए हैं, एंड यू विल लाइक टू स्टार्ट। मुझे कोई भेज दें अपनी मर्जी से। मैं तो भेज देता हूँ क्लास को। और जी बेटा, आपको पता है वो परसेंट 10% क्या होता है? क्या? अच्छा सर्च करें परसेंट 10% परसेंटेज का मार्क जो होता है। यहाँ नहीं विंडोज सर्च में। हाँ विंडोज सर्च जो नहीं होती नॉर्मल वाली। हाँ अब लिखें परसेंटेज साइन 10 परसेंटेज साइन परसेंटेज टाइम TEMP। हाँ और परसेंटेज साइन। अब इसको एंटर खोलें ये फोल्डर। ये सारी आपकी टेम्पररी फाइल्स हैं जो आपके पीसी में सेव हुई हैं और स्पेस खा रही हैं फालतू में। तो आप अगर आपको कभी स्लो फील हो रहा हो कि ये स्लो चल रहा है तो आप ये सारी डिलीट कर देते हैं। सीरियसली? हाँ सीरियसली। जिस तरह फोन में नहीं होता वो कहता है अच्छा स्पेस भर रही है तो क्लियर डेटा और वो कहीं से डेटा डिलीट कर देता है ना। ये बेसिकली वो सेम चीज है। सीरियसली काफी जगह ली हुई है। Yes. और इससे जगह से ज्यादा ये थोड़ा सी स्पीडी हो जाता सिस्टम। इसे रैम क्लियर हो जाती है और सीपीयू टाइम कम हो जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको कर दें और जो कह रहे हैं ना ओपन है उसको स्किप कर दें। जो ओपन है उसको स्किप बिल्कुल डू फॉर ऑल करंट करके बिल्कुल इसकी कैशे बेसिकली राइट वो कैशे रैम में टेम्परेरीली उसको यूज कर रहा होता ऑक्यूपाई रहेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो हाँ अगर ये कभी फील हो रहा हो कि स्लो है तो ये डिलीट कर दिया करें। गुड गुड। और फिर आपने रिसाइकल बिन में जाकर रिसाइकल बिन खाली करना होता। गुड हो गया। चलो यू आर विंडोज गुरु है। हाँ काफी ज्यादा पता है मुझे विंडोज का। विंडोज का भी पेपर होना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए। चलो बेटा तुम्हें पेपर भेजता हूँ तुम वो करो ठीक है? ठीक हो गया। अब ठीक है। और ये आज की रिकॉर्डिंग भी भेज दे मुझे। जी बेटा भेजता मैं भेजता हूँ फिर मैं देख लूंगा इसको। ओके ओके अल्लाह हाफिज़।